हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएससी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स का फुल सिलेबस। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स में क्या क्या आता है और कौन कौन सा चीज़ पढ़ना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स जो होता है बेसिकली ये ग्रेजुएशन डिग्री है। तो ये 3 साल का कोर्स होता है। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जो भी हो 3 साल का कोर्स होता है। तो इसमें होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल हम लोग को पढ़ना होता है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स का, तो मैथ्स ऑनर्स में हम लोग को मैथ्स हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है। तो मैथ्स हमको मैथ्स जो हमारा रहेगा, मैथ्स का 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का रहता है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का रहता है। दोनों एक ही साल एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में। दोनों को मिलाकर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। 200 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिजिक्स का 100 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी रहता है। सब्सिडरी मतलब इसका नंबर हम लोगों को नहीं जुड़ता है। वैसे तो एग्ज़ाम होता है हर साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एग्ज़ाम होता है 500 मार्क्स का। देखिए, 100 यहाँ से 100 यहाँ, पूरा 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लेकिन देखिए, जो होता है मैथ्स का 2 पेपर होता है, यही मेन रहता है। फिजिक्स में पास करना ज़रूरी रहता है। 30 पर पास रहता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और हिंदी इंग्लिश में भी 30 पर पास रहता है। बात रही कि हिंदी और इंग्लिश की, तो आप सिर्फ हिंदी ले सकते हो 100 नंबर का, या फिर हिंदी इंग्लिश 50-50 का ले सकते हो, लेकिन आप हिंदी छोड़ नहीं सकते हो। तो चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद मैथ्स में कैसे होता है। तो मैथ्स में बेसिकली 2 पेपर होता है, जो मैंने आपको बताया 100 100 मार्क्स का 2 पेपर होता है। तो फर्स्ट ईयर में इतना होता है। फिर अगर आप सेकेंड ईयर में भी जाओगे तो मैथ्स का ऐसे ही 100 100 मार्क्स का 2 पेपर रहता है, 100 मार्क्स का 2 पेपर रहता है। दोनों पेपर अलग अलग रहता है। जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट, एक बार एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, फिर दूसरी बार एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। लेकिन आप थर्ड ईयर में जाओगे तो जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपका क्या होगा कि मैथ्स का 4 पेपर होगा, 400 नंबर का मैथ्स का 4 पेपर होता है। और एक जो हमारा होता है, एक हमारा हो जाएगा जीके जीएस का दूसरा एग्ज़ाम होता है हमारा। एक हमारा 400 नंबर का मैथ्स का रहेगा और दूसरा हो जाएगा जीके जीएस, 500 नंबर का फाइनल ईयर में एग्ज़ाम होता है। लेकिन चलिए, हम लोग आगे देखेंगे, लास्ट के वीडियो के लास्ट हम लोग देखेंगे कि मैथ्स का जो पेपर होता है नंबर कैसे जुड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको समझ में आया होगा कि मैथमेटिक्स में 200 नंबर का मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश का भी 100 मार्क्स का। अब देखिए, पेपर वन में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। पेपर वन तो जानते हैं 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपको ग्रुप बाई ग्रुप आता है क्वेश्चन। ग्रुप ए में हम लोग को पढ़ना होता है बेसिकली सेट थ्योरी, जिसमें से 2 क्वेश्चन आता है। सेट थ्योरी में से 2 क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए, फिर ग्रुप बी है। ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन आता है मॉडर्न अलजेब्रा से। फिर ग्रुप सी से मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन और ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन। तो पूरे मिला के हम लोग को दो
चार, आठ, दस और दो 12 क्वेश्चन, पूरे मिला के हम लोगों को 12 क्वेश्चन आता है, जिसमें से पूरे मिला के हम लोगों को 12 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम लोगों को कोई भी पांच क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, कोई भी पांच क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। और कोई भी का मतलब कोई भी नहीं होता है, कोई भी का मतलब है ग्रुप ए से कम आपको एक देना होगा जवाब, दोनों चैप्टरों में से किसी का भी, ग्रुप बी से भी एक आपको आंसर देना होगा और ग्रुप सी से भी आपको एक आंसर देना होगा। तीन तो आपको ऐसे पुर गए, उसके बाद दो आप इसमें से चाहें, इसमें से चाहें, इसमें से चाहें, इसमें से चाहें, दो जो आपका बच गया किसी में से आंसर आप कर सकते हैं। तो हम लोगों को जवाब देना आता है कितना, पाँच। और हर एक जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन का जवाब देना होगा, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स कैरी करता है, 16 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। और एक जो होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सॉरी 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि पूरे मिला के 20 नंबर्स का होता है। तो 5 क्वेश्चन 16 मार्क्स का, 5 16 या 80, और फिर जो 8 क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो पूरे मिला के हमारा 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। अब देखिए पेपर टू में भी वैसे ही होता है, ग्रुप ए से ग्रुप ए में दो टॉपिक पढ़ना आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें से दो क्वेश्चन आता है, फिर हमारा इंटीग्रल कैलकुलस से दो क्वेश्चन आता है, फिर हमारा वेक्टर एनालिसिस से दो क्वेश्चन आता है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन आता है। तो देखिए 2 4 6 8 क्वेश्चन इधर से आ गया, और फिर देखिए ग्रुप सी से हम लोगों को 2D से दो क्वेश्चन आता है, फिर हम लोगों को 3D से भी दो क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम लोग का इसमें से 2 2 4 2 6 2 8 और उसके बाद 10 2 12 पूरे हम लोग को 12 क्वेश्चन आता है, 12 क्वेश्चन आता है, इसमें से हम लोग को कोई भी पांच इसमें से भी देना रहता है, लेकिन कम से कम एक इस ग्रुप से होना चाहिए, फिर एक आपको इस ग्रुप से होना चाहिए, एक इस ग्रुप से होना चाहिए। तो मतलब आपको तीनों ग्रुप से कम पहले 3 क्वेश्चन दे देना है आंसर, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचेगा आप किसी भी ग्रुप से दे सकते हैं या तो हर एक से मिला के दे सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को एग्ज़ाम कैसे होता है, तो एग्ज़ाम हम लोगों का होता है देखिए फर्स्ट ईयर में मैथ्स होगा 200 नंबर का, सेकेंड ईयर भी होता है 200 नंबर का, और जो हमारा थर्ड ईयर होता है मैथ्स 400 नंबर का। तो पूरा मिला के हम लोगों को एग्ज़ाम होता है मैथ्स का 800 नंबर का, और मैथ्स में पास मार्क रहता है 45 हर एक सब्जेक्ट में, मतलब हर एक पेपर में आपको कम से कम 45% तो आना ही चाहिए, 45% आता है तभी आप पास होते हो। मैथ्स से हमारा 45% रहता है पास मार्क्स। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि 200 नंबर का पहले साल में फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होता है मैथ्स का, 200 नंबर का सेकेंड ईयर में, और 400 नंबर का थर्ड ईयर में। तो पूरे मिलाकर हम लोगों का 800 का एग्ज़ाम होता है मैथ्स में, जिसमें से कि हर एक बार कम से कम 45% तो आना ही चाहिए मैथ्स में, वरना आप जानते होंगे। तो देखिए उसके बाद जो आप बोलोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, जो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबका नंबर नहीं जुड़ता है हम लोगों के जो भी होता है एग्ज़ाम के फाइनल में, हम लोगों का नंबर सिर्फ जुड़ता है मैथ्स का जुड़ता है सिर्फ नंबर।
फिजिक्स केमिस्ट्री आता है उसमें पास पास करना जरूरी होता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का भी बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, BSc मैथ्स याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, चैप्टर बाई चैप्टर, हर एक चैप्टर का हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें, नए नए वीडियो हर दिन अपलोड होंगे तो आपको मतलब मिलना चाहिए ना। हाँ, कि कोई अपलोड कर रहा है तो भाई थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चलिए, और आफ्टर सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।